स्लो डाउन और एक हल्का सा कर्ल ले, जब ऊपर लाए तो बाइसेप को अपने रहे, जिससे आपकी मसल ब्रेक डाउन हो और उसके बाद आप डाइट लेके रिकवर करें और मसल अच्छे से ग्रो हो जाए। व्हाट्स अप माई YouTube फैमिली, दिस इज रमन सैनी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर दिया करो वीडियो, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है होम वर्कआउट के ऊपर। होम वर्कआउट के ऊपर आज आपसे बात करेंगे कैसे आप घर पर अपने बाइसेप्स को पंप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सुबह मॉर्निंग में लेट हो जाते हैं ऑफिस जाने में तो जिम नहीं जा पाते, या शाम को नहीं जा पाते उनका जिम दूर होता है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो उन सब प्रॉब्लम्स के चलते हुए वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। सो इसके लिए होम वर्कआउट के लिए आज मैं बाइसेप्स का वर्कआउट बताने वाला हूँ, क्या आप कर सकते हैं घर पे। आपको किसी गाइस फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको लगानी है वो लगानी है पुशअप, जो बाइसेप्स को पंप करने वाले पुशअप्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, हाथों को थोड़ा सा ऐसे रखें, अपनी चेस्ट से थोड़ा बाहर, रैप की कितने मानने? रैप्स आपको जितने मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की। सो गाइस इस होम वर्कआउट में आपको ज़्यादा किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो ईंटों की ज़रूरत है। सो इससे आपको लगाने हैं बाइसेप कर्ल, और बाइसेप कर्ल आप कैसे लगाएंगे, होल द वे अप होल द वे डाउन। लोग क्या गलती करते हैं इसमें भी झूलते रहते हैं, वेट कम लो एक्सरसाइज सही से लगाओ, मसल एंड माइंड की रेक्शन करना चाहिए। ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन। सो दोनों को एक साथ करें जिससे आपकी मसल ब्रेक डाउन हो और उसके बाद आप डाइट लेके रिकवर करें और मसल। सो गाइस थर्ड एक्सरसाइज करते हैं, थर्ड एक्सरसाइज करनी है हमें हैमर कर्ल, और हैमर कर्ल के लिए वही आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, एंड ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन। इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि दोनों एक साथ लगाएं, ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन, स्लो मसल एंड माइंड कनेक्शन करें, फोकस होना चाहिए आपका पूरा। ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन ऑल द वे अप ऑल द वे डाउन। सो ये लगाएंगे और थर्ड फोर एक्सरसाइज हमारी हो गई है। फोर्थ एक्सरसाइज चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है कंसंट्रेशन कर्ल। और कंसंट्रेशन कर्ल में बांस ले ले, कंसंट्रेशन कर्ल में आप ध्यान रखें स्लो अप स्लो डाउन स्लो अप स्लो डाउन, और एक हल्का सा कर्ल ले, जब ऊपर लाए तो बाइसेप को अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसा बेंड करें, स्लो अप स्लो डाउन और हल्के से बेंड करना ऊपर आके। ये देखिए जब मैं बेंड करता हूँ तो देखिए बाइसेप कितना ऊपर पंप होके आता है, जब मैं सीधा करता हूँ ये देखिए तो ये फर्क पड़ता है। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, कमेंट कर दिया करो यार। अच्छे अच्छे आप सबके जब लाइक कमेंट आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यार बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो रमन सैनी फिटनेस को, आपका अपना चैनल।